100 शेयर हैं IRFC के 35 पे और यस बैंक के हैं 514 पे। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से मैम जैसे 4-5 साल में रुक सकता हूँ। जी मैम, आपके पास IRFC है 35, यस बैंक है 14 रुपीज, आपका होराइजन क्या है? लॉन्ग टर्म का है मैम। ओके, तो IDFC नहीं है सुनील के पास, IRFC है जो रेलवे फाइनेंस कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है, 35 रुपए की इनकी खरीदारी है। यस बैंक इनके पास 14 रुपए का है, यस बैंक 25 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, दोनों ही होल्डिंग्स में मुनाफा हो रहा है इनको। अच्छा, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू के साथ? IRFC जो 154 पर है 35 रुपए का, और यस बैंक जो 14 रुपए की बैंक 25 रुपए पर है। जी, IRFC तो इनके लिए क्लियरली मल्टीबैगर साबित हुआ है, और जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ IRFC में और रेलवे स्टॉक्स में वो काफी इंप्रेसिव है। ऊपर के लेवल पर आकर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर है, तो हमारी सलाह रहेगी यहाँ पे एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप हमने देखा है इसमें, और अब इन लेवल्स पर आकर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे एटलीस्ट आधा जो कैपिटल है वो निकाल ले IRFC में, और बाकी के लिए बने रहे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इन्हें, वो 140 के करीब का कैसल मेंटेन करे। जो इसमें ब्रेकआउट आएगा वो करीब करीब 160 के जोन जब ब्रीच हो, ब्रेकआउट देगा उसके ऊपर बाद वापस एक रैली देखने मिल सकती है।